एंड दिस इज अप्रॉक्सिमेटली थ्री पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी वाइल नो डाउट ये तो सिग्निफिकेंट है ही बट इंटरेस्टिंगली इसमें रेलवेज के लिए टू पॉइंट फोर लैख करोड का भी बजट रखा गया हैलो एवरी वन यूनियन बजट बहुत रिसेंटली प्रेजेंट हुआ था और कुछ इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स है ये साल के लिए तो चलिए फिर डिकोड करते हैं ये साल की बजट की थीम दस इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के साथ बाई हिटिंग द लाइक बटन तो सबसे पहली इमीडिएट वाइब जो माइंड में आती है ये साल बजट को देख के वो ये है कि एक सिग्निफिकेंट थ्रस्ट रहने वाला है मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलोंग विथ रेलवेज कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली केपेक्स या देश की एसेट्स बनाने के लिए एफ आई ट्वेंटी फोर में दस लाख करोड़ का प्रोविजन रखा गया है दिस इज हाइएस्ट एवर नंबर और ये पिछले साल के मुकाबले थर्टी थ्री परसेंट बड़ा है फ्रॉम द अर्लियर लेवल्स और लास्ट ईयर लेवल्स ऑफ सेवन पॉइंट फाइव करोड एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली थ्री पॉइंट थ्री परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी नो डाउट ये तो सिग्निफिकेंट है ही बट इंटरेस्टिंगली इसमें रेलवे के लिए टू पॉइंट फोर लैख करोड का भी बजट रखा गया है लेट मी प्रेजेंट सम केस स्टडीज यार। बिफोर प्रेजेंटिंग फ्यू केस स्टडीज प्लीज नोट ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन जब भी हम रेलवेज की ग्रोथ की बात करें तो एक बिजनेस जो इमीडिएटली टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल पे मेरे आता है जो ये पूरी ग्रोथ पे राइड कर सकता है वो है आई या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का आई इंडियन रेलवेज के लिए एन या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का रोल प्ले करती है दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक प्रोजेक्ट फाइनेंस लीजिंग लेंडिंग एंड हेल्पिंग रेस कैपिटल फॉर रेलवेज करंटली इट इज ट्रेडिंग एट लेस देन वन टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो रेलवेज के लिए ये एक मोनोप्लिस्टिक बिजनेस में है विथ गवर्नमेंट एज एट कस्टमर तो अपने अपने यहां पर एक डिफॉल्ट या क्रेडिट रिस्क का जो एलिमेंट होता है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है इंटरेस्टिंगली रिटेल इन्वेस्टर्स का फेवरेट बिजनेस बाय द नेम ऑफ आई आर सी टी सी इज अनादर सच बिजनेस दैट कैन स्टैंड टू बेनिफिट आउट ऑफ इंप्रूविंग रेल कनेक्टिविटी इन द कंट्री यहां पर सिर्फ इनका टिकटिंग का ही बिजनेस नहीं है पर केटरिंग और टूरिज्म का भी बिजनेस है जो आगे आने वाले टाइम में इनको ग्रोथ की ऑप्शनलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं बट फिलहाल ये स्टॉक इतने सिग्निफिकेंट करेक्शन के बाद भी 55 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है जो पर्सनली मुझे थोड़ा सा हायर साइड पे लगता है प्लस टेक्निकल चार्ट्स भी यहां पे वीकली टाइम फ्रेम में एक वेट एंड वॉच का इंडिकेशन दे रहे हैं एज इट इज करंटली ट्रेडिंग बिलो इट्स थर्टी वीक एक्सपोनेशियल मूविंग एवरेज नंदिलेस रेलवे के लिए ये एक और मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है वर्थ ट्रैकिंग एंड स्टार्टिंग फैक्टर के के है।, साथ -साथ है और ये मैं कवर करने वाला हूँ मेरे डीप डाइव में नौ बिजनेस कवर किए हैं और आप ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके अब रेलवे के बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है बट यहां पर्टिकुलरली मैं हाउसिंग रिलेटेड स्टॉक कवर करना चाहूंगा एस अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रधानमंत्री आवास योजना 66% से एलोकेशन बढ़ाई गई है तो ओवर यर कपल ऑफ सीमेंट काउंटर स्टार्टिंग विद अल्ट्राटेक कैन लुक इंटरेस्टिंग वाइल नो डाउट एट दी एंड सीमेंट एक कमोडिटी प्रोडक्ट है बट जहां तक हाउसिंग की बात है ना तो ये एक सिग्निफिकेंट कॉम्पोन का रोल प्ले करता है अल्ट्राटेक के पास 25% का मार्केट शेयर है और कंपनी नेशनल प्रेजेंस भी रखती है दे कैन स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री लाइक मुंबई मेट्रो चेन्नई मेट्रो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बुलेट ट्रेन एक्सेट्रा अल्ट्राटेक के साथ साथ एक और सीमेंट कंपनी बाय द नेम ऑफ जेके लक्ष्मी सीमेंट विच हैज प्रेजेंस इन द मार्केट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एमपी गुजरात एंड राजस्थान इज वन अनादर सच बिजनेस दैट आई एम ट्रैकिंग यहां पे ग्रोथ के लिए कैपेसिटी की एक्टिविटीज प्लांट है विच विल टेक दे आर अप फ्रॉम करेंटली फिफ्टीन मिलियन एम टी पी ए टू सेवनटीन पॉइंट नाइन वैल्यूएशन वाइज अगर मैं देखू तो अल्ट्राटेक करेंटली थर्टी फोर टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे है एंड जेके लक्ष्मी सीमेंट इज एट ट्वेंटी टाइम्स तो अल्ट्राटेक केस के के में तो ये मल्टीपल्स के हिस्टोरिकल लेवल्स के अराउंड है पर हो सकता है जेके लक्ष्मी सीमेंट्स केस में ये री रेटिंग काफी सिग्निफिकेंटली ऑलरेडी प्ले आउट हो रही हो और ये मल्टीपल्स थोड़े से हाई रेट पर हो सो दिस इज समथिंग एज इन्वेस्टर्स वी शुड बी अवेर अबाउट केबल्स एंड वायरस इज अनादर सच एरिया दैट कैन स्टेंड टू बेनिफिट आउट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पुष्ट

तो यहां पे ये इनडायरेक्टली ये इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे भी राइड कर सकता है एंड दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग एंड एंड बोथ आर आर डेट फ्री कंपनीज दे प्लानिंग पॉलिक्री एक्सपेंशन इन दी सेगमेंट ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स या एफएमईजी सेगमेंट एज वेल बेसिकली लाइट्स स्विच गियर फैंस एक्सेट्रा ये वाला डिवीजन लेट्स नॉट फॉरगेट ये बजट में एक मेजर चेंज देखा गया है इनकम टैक्सेशन के फ्रंट में जहां पे टैक्स एग्जेंप्शन की लिमिट अंडर द न्यू रेजिम बढ़ाई गई है अप टू सेवन लैक्स क्लियरली दिस विल पुट लॉट मोर मनी इन दी हैंड्स ऑफ द पीपल और यह थीम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी रह सकती है एफ एम सी जी कंपनी हिंदुस्तान यूनि लिवर और एच यूएल करेंटली एट सिक्सटी टाइम्स प्राइस अर्दिंग मल्टीपल विच इज अ कैशरेच एंड डेट फ्री कंपनी इज एन इंटरेस्टिंग ऑप्शन टू ट्रैक इनके पांच साल का प्राइस अर्दिंग मल्टीपल भी समवेर अराउंड फिफ्टी फाइव टाइम्स है दे हैविनाड्स लाइक ब्रू रेड लेबल बूस्ट डोव कॉर्नेटो क्लिनिक प्लस ये सारे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ सकता है एज पीपल हैव मोर मोर एंड 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 डिस्पोजेबल इनकम दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर बोथ अर्बन रूरल इकोनॉमीज पे कंजम्पशन की थीम के चलते मल्टीपल बिजनेसेस बेनिफिशियरी रह सकते हैं जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस ट्रेवल एंड टूरिज्म मूवीज सो दीज आर सम ऑफ दी अदर एरियाज दैट वी इन्वेस्टर्स कैन एक्सप्लोर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम ये पूरे बजट के डिस्कशन में निकल के आती है वो फिशरीज के एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई है जहां पे गवर्नमेंट ने एक लाख करोड़ इसे ले जाने का प्लान किया है ओवर लास्ट टेन ईयर्स फ्रॉम टू थाउजेंड इलेवन टू टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू ये नंबर बारह हजार करोड़ से फिफ्टी एट थाउजेंड करोड़ तक गया है और अब टारगेट है इसे एक लाख करोड़ तक ले जाने का तो ये एक सिग्निफिकेंट जंप हुआ यहाँ पे अवंती फीड्स करके एक इंटीग्रेटेड सी फूड कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ स्ट्रीम फीड्स हैचरीज एंड प्रोसेसिंग ब्लू रेवोल्यूशन के अंडर इंडिया में पूरी इकोसिस्टम जिसमें एक्वाकल्चर और फिशरीज शामिल है इसे डेवलप करने का पोटेंशियल रखता है जहां तक अवंती फीड्स की बात है तो पिछले नौ सालों में इनकी सेल्स एट टाइम्स हुई है तो ये दिखाता है कि इन्होंने कितनी ब्यूटीफुली अपने बिजनेस को एटलीस्ट टॉपलाइन के टर्म्स में तो स्केल किया है प्रॉब्लम यहाँ पे आती है सिक्लिकालिटी के एलिमेंट की जो पता लगता है इनके मार्जिन से जस्ट लुक एट द वाइल्ड स्विंग्स लुक एट दार्जिन फ्रॉम एट ऑल द वे टू ट्वेंटी और अल्टीमेटली जब आपके मार्जिन ऊपर नीचे होते ना तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट भी प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है लुक एट द वे प्रॉफिटेबिलिटी हैज इन लास्ट फ्यू क्वार्टर्स 100 करोड़ से ये 25 करोड़ पे आ गया और करंटली अब 56 करोड़ है तो ये एक बहुत ही वाइल्ड स्विंग्स है तो नेचुरली ये एक इंटेंसली सिक्निकल बिजनेस है और अगर यहां पे टाइमिंग गलत हुई तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्क प्रोजेस करता है ऑफ कैपिटल इरोजन लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट्स अगर आप चाहते हो कि मैं ये बिजनेस को और भी डिटेल में एनालाइज करके प्रेजेंट करूं यहाँ पे और भी रिस्क है जैसे कि डिजीजेस का रिस्क यूएसए रिसेशन चाइना लॉकडाउन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स का रिस्क जैसे कि फिश मिल्स सोयाबीन मिल व्हीट फ्लोर ये रॉ मटेरियल की प्राइसिंग खुद ही अपने आप काफी वोलटाइल होती है श्रम फीड का एटी टू नाइनटी परसेंट कॉस्ट ये रॉ मटेरियल का ही है और इनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन मतलब एक डायरेक्ट इंपैक्ट इनकी पीएनएल पे इनके बिजनेस में यूएस यूएसएफीए के रेगुलेशन का भी रिस्क है सिंस यूएसए इज आल्सो वन ऑफ दियर इम्पोर्टेंट मार्केट्स अक्टूबर 2022 में यूएस एफडीए ने इसे अपने इम्पोर्ट अलर्ट से तो हटाया है बट यू नेवर नो कि यहाँ पे और कौन सा इम्पैक्ट आ जाए फ्यूचर में यहाँ पे एक और रिस्क है कॉम्पिटिशन का और इक्वेडोर एक ऐसा देश है जो डायरेक्ट कॉम्पिटेटर है इंडिया का जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है इनफैक्ट इक्वेडोर बींग क्लोजर टू यूएसए हैज सर्टन कॉस्ट एडवांटेजेस टू लैब ग्रोन सी फूड भी यहाँ पे फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है नो no डाउट थोड़ा सा फारफेट साउंड करता है

और इनफैक्ट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊ ना तो वॉचलिस्ट रेडी रखना एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है आप इतना सब एक दिन में स्टडी डेफिनेटली नहीं कर सकते हो नाउ कमिंग बैक टू द थीम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वन थिंग दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन बोथ द एरियाज ऑफ माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इज दैट ऑफ एक्सप्लोजिवस काफी सेंस बनती है कि हम एक डेफिनेटली एक ऐसा बिजनेस स्टडी करें जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिवस के एरिया में ऑपरेट करता हो करंटली जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूं ये 28% का मार्केट शेयर रखती है बल्क एक्सप्लोजिवस के सेगमेंट में सेवेंटी परसेंट का इनका मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट्स में फ्रॉम इंडिया बाय द नेम ऑफ सोलर इंडस्ट्रीज सोलर इंडस्ट्रीज का अप्रॉक्सिमेटली थर्टीन परसेंट रेवेन्यू कोल इंडिया से आता है फिफ्टीन परसेंट इनका रेवेन्यू हाउसिंग के सेगमेंट से और सेवन परसेंट इनका रेवेन्यू डिफेंस के सेगमेंट से आता है सेवेंटीन परसेंट इनका रेवेन्यू इंस्टीट्यूशनल और नॉन कोल इंडिया के सेगमेंट से भी आता है बट स्पेशली यहां पे अगर मैं हाउसिंग और डिफेंस की बात करूँ तो ये दो और ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आने वाले टाइम में इनको ग्रोथ की ऑप्चनिटीज दे सकते हैं करेंटली ऑन द वैल्यूएशन फ्रंट ये 49 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है जो हो सकता है शायद उतना कंफर्ट ना दे बट नंद ये एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है एटलीस्ट टू एक्सप्लोर फर्दर एंड कीप ऑन वॉच लिस्ट इवन बिफोर द बजट आई फाउंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी एन इंटरेस्टिंग थीम और इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है दस बिजनेस के स्टडीज के साथ जो मैंने डिस्कस किया है ये वाले वीडियो में तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली एक बार तो चेकआउट करना चाहिए